तो भाइयों मैं बड़े परेशान था, अपने इंटरनेट के कनेक्शन से बार बार ख़राब हो जाता था। नेट प्लस का था तो मैंने अब लगवा लिया एयरटेल एक्सट्रीम, तो होपफुली ये बिल्कुल सही रहेगा। और मैंने ज़्यादा स्पीड वाला भी लगाया है, तो चलो चलो अब देखते हैं, हल्के फुल्के क्लिप्स देखते हैं जो मैंने वो लगवाया। तो भाइयों देखो, जैसा कि आप देख सकते हो, आपको तो पता ही, ऑप्टिकल फाइबर की जो वायर होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है। तो इनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो ऑप्टिकल फाइबर की जो ये जो वायर है, तो आई गेस ये इसको अब आपस में जोड़ना है इन्होंने, तो वो वेल्ड करते हैं एक तरह से। तो ये मशीन है जो इनको आपस में जोड़ती है। तो ये हमारे भाई जी ने ये काट दिया, ये भी मतलब कटिंग भी वायर की मशीन से ही होती है ताकि एग्जैक्ट कटिंग हो। तो अब ये जो मशीन यूज़ कर रहे हैं, इस मशीन को ये यूज़ कर रहे हैं इसको वेल्ड करने के लिए। तो अभी आप देखो ये कैसे इसको वेल्ड करते हैं। तो अब इन दोनों वायर्स को बीच में डाल दिया है, तो आई गेस अब वेल्डिंग करेंगे। ये देखो देखो देखो, ये हो गई वेल्ड। देखो क्या मस्त चीज़ है यार, बड़ा मज़ा आया देखकर। मतलब आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि अंदर कैसे वेल्ड हो गई दोनों वायर्स आपस में जो फाइबर ऑप्टिक की हैं। तो अब ये उसको जोड़ने के लिए इसके ऊपर वो जो रबड़ एक चढ़ाएंगे, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं समझ गए ना आप। ये इसके ऊपर चढ़ेगा अब। तो इसको अब दूसरे हीटिंग हीटिंग वाले पोर्शन में डालेंगे, ये ऑटोमेटिकली हीट करके इसको सील कर देगा वायर को अच्छी तरह से। तो ये है जो दूसरा पोर्शन, उसमें इन्होंने डाला है। तो अब ये इस वायर को हीट करके तो अच्छी तरह से पकड़ बना लेगा इन दोनों वायर्स की। तो अब ये भगवान जाने क्या डिजिट्स में चेक कर रहे हैं, शायद ऑप्टिकल फाइबर में से जो कनेक्शन आ रहा है उसकी स्पीड चेक कर रहे हैं, यही होगा। चलो कुछ भी हो, हमें क्या। तो भाइयों अब हम करेंगे अनबॉक्सिंग इस बॉक्स की, जो आप देख रहे हो वो अगली वीडियो के लिए रेडी रहना। तो अगली वीडियो में अनबॉक्सिंग इसकी आएगी। अब तो अब भाइयों अपनों ने वायर की वेल्डिंग तो कर दी है, तो अब इस डब्बी में ऑप्टिकल फाइबर को इन्होंने घुमा कर लगाना है। और ये भी बहुत 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 महीन काम है, जिसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। इन भाई को काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ज़रा सा भी ज़ोर ज़्यादा लगा तो ये दोबारा टूट जाएगी, तो फिर वो प्रोसेस दोबारा शुरू करना पड़ेगा वेल्डिंग का। तो बड़े ही ध्यान से इसको रोल करके इस डब्बी में फिट कर रहे हैं, जहाँ से ऑप्टिकल आपका बोल के चलो कि ऑप्टिकल इन और ऑप्टिकल आउट दोनों ही आएंगी, जिसके कारण हमारे जो इंटरनेट की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी रहेगी अब जब मैं यूज़ करूँगा होपफुली। तो वायर वगैरह की फ़िटिंग करने के बाद अब फिटिंग हो रही है डब्बी की प्रॉपरली। तो आप ग्रीन कलर का वो जो देख रहे हैं ना, वो ही पोर्शन है वो जो ऑप्टिकल का, वो जो छोटा सा बल्ब लगा होता है जिससे हमको वो सिग्नल मिलता है। तो अब हो रही है इसकी फ़िटिंग, अब इसके बाद शायद इस पर लगाएंगे ढक्कन। तो जी अब हो गया है फिटिंग फुटिंग का काम। तो अब ये जो राउटर है, इसकी जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो भी एंट्री वगैरह है, भाई करेंगे और फिर इसको भी हम आगे फिट करेंगे। तो हमारे दूसरे भाई साहब ज़रा वायर की सेटिंग कर रहे हैं, और उतनी देर में ये सेटिंग कर रहे हैं भाई साहब सारी इसकी एंट्रीज वगैरह करके फाइनल करने में। तो ये है वो राउटर एयरटेल एक्सट्रीम का, जो मैं अब लगवाने जा रहा हूँ। होपफुली अच्छी स्पीड होगी इसकी। तो ZTE वाले हैं जिन्होंने इनको बनाकर दिया है, तो अब ये भी लगाते हैं। तो वायर वगैरह लग गई, राउटर की सेटिंग होने लगी है। जल्दी से जल्दी राउटर की सेटिंग हो ताकि मेरा इंटरनेट स्टार्ट हो, क्योंकि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। सुना है कि इसकी स्पीड काफ़ी है, तो वो चेक करेंगे अब। तो फाइनली भाइयों राउटर हो गया है हमारा चालू। तो स्लिप वगैरह में लिखकर जो भी है इनका अपना जो है वो डब्बी पे लगाएंगे, और अब इसको कर दिया चालू। फटाफट अब हम इसको चेक करते हैं चलाकर। तो भाइयों कनेक्शन हमारा लग गया, ये है वो एयरटेल एक्सट्रीम। और फिलहाल मैंने मूवी देखनी शुरू कर दी है, ये फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मुझे अच्छी लगती है तो दोबारा देख रहा हूँ। तो ये है 8 इंच का CA, ये है 10 इंच का CA। इसकी वीडियो जल्दी आएगी अब गाड़ी में लगाने के बाद।